हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मजे ले रहे होंगे। आज आपका भाई एक काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आया है, जिसका टॉपिक है मिनिमम वेजेस इन पोलैंड 2023 में कितने होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट मेक श्योर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज यार सब्सक्राइब कर लिया करो यार, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। अगर मोटिवेशन नहीं होगी तो यार वीडियो अपलोड नहीं होती है, अगर वीडियो अपलोड नहीं होगी तो आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, अगर आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो यार आप अंधेरे में रहोगे। तो मैं नहीं चाहता आप तक ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। इन फ्यूचर आप में से यहाँ पे कोई आने की सोच रहा हो, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा, ठीक है? तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो यार। बुरा लकता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अभी बकचोदी बंद करते हैं, सीधा वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं मिनिमम वेजेस इन पोलैंड जो अभी है। अभी जो मिनिमम वेजेस इन पोलैंड है वो 2022 में वो है 3050 zloty, एंड जो कि नेक्स्ट ईयर जनवरी से जो बढ़ के 3373 zloty होने वाले हैं। और मैं ये ग्रोथ सैलरी की बात कर रहा हूँ, ये ना सोचो कि आप ये मत सोच लेना कि आपको 3373 zloty जो है आपको अकाउंट में मिलेंगे, ये मैं ग्रोथ सैलरी की बात कर रहा हूँ कि आफ्टर टैक्सेस जो है आपकी सैलरी, आप आफ्टर टैक्सेस आपको जो है सैलरी जो है 2600 zloty के आसपास मिलेगी, ठीक है? और अभी टैक्स की भी बात कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट ईयर 2023 में जो सैलरी जो मिनिमम वेजेस है वो दो बार इंक्रीज होंगे, एक तो जनवरी में होंगे जो कि मैंने आपको बता दिया 3373, और उसके बाद जुलाई में इंक्रीज होंगे, वो बढ़ के 3450 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर दो बार आपके मिनिमम वेजेस जो है यहाँ पे इंक्रीज होने वाले हैं, बट वही मैंने आपको बता दिया कि आफ्टर टैक्सेस जो आपकी सैलरी 2600 के आसपास जो है आपको मिलेगी। तो अभी बात करते हैं टैक्स कितना पे करना पड़ता है यहाँ पे। तो मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जिनकी सैलरी मोर देन 1,20,000 zloty से ज्यादा होती है, एनुअली बात कर रहा हूँ साल की, तो उनको 32% देना पड़ता है, और जिनकी 1,20,000 zloty से कम होती है उनको 17% टैक्स जो है देना पड़ता है। बट फिर भी मैं आपको एक एप्लीकेशन बता दूंगा जिसमें आपको सिर्फ अपनी ब्रूटो सैलरी ग्रोथ सैलरी डालनी है और टोटल आपको पता लग जाएगा नीचे नेट सैलरी कितनी आपको इन हैंड मिलेगी। तो इन फ्यूचर जब आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जाते हो आपको कितनी सैलरी बोलता है, ये भी बहुत होता है कि कंसल्टेंट इतनी बोल दे आपको इतने यूरो मिल जाएंगे, इतनी भाई यूरो यूरो मत पूछा करो, ज्लोटी पूछा करो कितनी ज्लोटी मिलेंगी, यूरो वूरो नहीं चलता है यहाँ पे। तो कंसल्टेंट को बोलो भाई कितने ज्लोटी मिलेंगे वो बताओ, यूरो तो यूरो की बात मत करो, यूरो अगर यूरो कंट्री में जा रहे हो तो उधर की बात करो, अगर कंसल्टेंट को कंसल्टेंट से पूछो अगर ज्लोटी में कितने मिल रहे हैं, ठीक है? और ज्लोटी में जितने मिल रहे हैं उतने उसके बाद टैक्स काट के कितने मिलेंगे, क्योंकि सीन पानी हो जाता है फिर बाद में जब यहाँ पे आओगे इतने नहीं मिलते तो फिर बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है जब मैं आया था मेरे को भी इतने अभी टैक्स में इतने, क्योंकि मेरे कंसल्टेंट को भी पता नहीं था कि क्या सीन है टैक्स कितना करता है, तो उसका भी पहली बार ही करवा रहा था वो, मैं ही आया था उसके थ्रू, तो उसको भी नहीं इतना पता था, तो कोई इशू नहीं था। हाँ बट अगर आप आ रहे हो तो आप बिल्कुल कंफर्म करके आना कि ज्लोटी में आपको टैक्स आफ्टर ये टैक्स पे करके है या बिना टैक्स के है, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखना। इनके मिनिमम वेजेस बढ़ाने का ये भी कारण है कि जैसे कि आप सब जानते हैं रशिया यूक्रेन के वॉर के चलते यहाँ पे काफी इन्फ्लेशन हो गई है, काफी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, रूम रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल प्राइसेस, हर चीज के दाम बढ़ गए, लोगों के पास पैसा नहीं है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन बढ़ना भी एक गुड इन्फ्लेशन होती है, एक बैड इन्फ्लेशन होती है। तो अभी जो बढ़ रही है वो बैड इन्फ्लेशन है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, सैलरीज उतनी है और हर चीज के दाम बढ़े जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर से जो सैलरी मिनिमम वेजेस जो बढ़ाने की सोचा है कि ताकि लोगों से थोड़ा बर्डन कम हो, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं वॉर्सो में अगर आपको रूम चाहिए, सिंगल रूम, प्राइवेट रूम चाहिए, अपने लिए चाहिए, कि मतलब कई लोग नहीं पसंद करते किसी के साथ में रहना, उनको अपना रूम चाहिए, तो भाई आपको वॉर्सो में सिंगल रूम, छोटा रूम, सिंगल रूम आपको अराउंड 1,200 zloty के आसपास यहाँ पे मिलेगा। और इस समय तो इतना यहाँ पे वो चल रहा है ना, क्या कहते हैं इसको, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, इतनी जद्दोजहद चल रही है ना यहाँ पे रूम फाइंड आउट करने में। तो गवर्नमेंट ने सोचा है मिनिमम वेजेस बढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा लोगों का बर्डन जो है कम होगा। और मैं आपको वेबसाइट भी बता दूंगा जैसे कि आप जिसपे आप अपना टैक्स जो है चेक कर सकते हैं कितने आपको आफ्टर टैक्सेस कितनी नेट आपको जो है सैलरी मिलेगी, ठीक है? तो वो देख लो। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके वहाँ पे सर्च में टाइप करें सैलरी कैलकुलेटर पोलैंड, तो उससे बाद सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगा जहाँ पे उस पर लिखा होगा ACCACE
एक एस, उसको एक्सेप्ट करें और ये उसका पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद जो सबसे ऊपर आपकी ग्रॉस सैलरी वो डालें जितनी आपको आपके कंसल्टेंट ने बताई होगी। जब आप अपनी सैलरी वहाँ पे डालेंगे तो आपके ये सारी डिटेल आएगी, जो जहाँ जहाँ पे आपके पैसे कट रहे हैं, टैक्स कट रहा है, कितना कट रहा है, तो वो आपको वहाँ पे शो करेगा। और वहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने जब अपनी ग्रॉस सैलरी डाली तो टैक्सेशन जहाँ पे लिखा वहाँ पे लिखा है 17%। तो आपका 17% ओवरऑल टैक्स कट के आपकी नेट टू बी पेड टू एम्प्लॉय जो सैलरी है वो है 2,621 जलौती। सो इस तरह आप अपना जो है चेक कर सकते हैं कि आपको आपकी नेट सैलरी कितनी मिलेगी। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चेक कर सकते हैं आपकी सैलरी कितनी है। सो दैट्स इट गाइज, यही था मेरे को आपके साथ शेयर करना था। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर गुड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।